गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को हत्या की कोशिश के 2009 के एक मामले में दोष मुक्त करार दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस हत्या की कोशिश के मामले में बरी किया है वो मामला साल 2009 का है, जब मीर हसन नाम के व्यक्ति ने मोहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुख्तार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस केस में कोर्ट में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखे गए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 मई को ही पूरी कर ली थी, साथ ही मामले में फैसला सुनाने के लिए 17 मई की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद अदालत ने आज मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी सोनू यादव को कोर्ट से पहले ही बरी किया जा चुका है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी कायम है कि क्या अब मुख्तार जेल से बाहर आ सकेगा या नहीं। तो हम आपको बता दें कि हत्या की कोशिश मामले में निर्दोष साबित होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का फिलहाल जेल से बाहर आना संभव नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में मुख्तार ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया है। बता दें कि मुख्तार पर दर्ज ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। कोर्ट 20 मई को इस पर फैसला सुना सकती है। इसके साथ ही पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें कोर्ट ने उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जाहिर है कि ऐसे में मुख्तार का जेल से बाहर आना फिलहाल संभव नहीं है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।